हे वेलकम बैक। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है बायोलॉजी टॉक विद जयंत में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ऐसे जीवधारी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि नग्न आंखों से यानी कि नेकेडेड आई से दिखलाई ही नहीं देते हैं। अब ऐसा है कि अगर वो नेकेडेड आई से नहीं दिखलाई देते तो हमें उनकी क्यों जरूरत है, या क्या वे हमारे लाइफ स्टाइल को या हमारे दैनिक चक्र या जीवन चक्र को क्या वो प्रभावित करते हैं? क्या ऐसे जीवधारी जो है क्या हमारे पर्यावरण पर भी उनका प्रभाव पड़ता है? तो आइए हम जो जानते हैं कि ऐसे जीवधारी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे इन्वायरमेंट्स में, हमारे प्रकृति में, जो कि नग्न आंखों से तो नहीं दिखाई देते लेकिन उनका हमारे प्रकृति और हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। अगर हम लोग ऐसी जीवधारी जो कि क्या होते हैं नंगे आंखों से नहीं दिखते हैं, नेकेड आई के आई से नहीं दिखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, टाइनी ऑब्जेक्ट्स कहते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ऐसे जीवधारी जो नंगे आंखों से नहीं दिखाई देते उसको हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हर एक जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे नदी में, तालाब में, पोखर में, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के बाहर, चाहे वो अन्य किसी जीवधारी के शरीर के, हमारे मुख में, हमारी जितनी भी सारी जगह है, जैसे कि आपका पर्वत है, पहाड़ है, यानी कि हर एक चीजों में वो क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं। इसीलिए हम लोग सूक्ष्म जीव को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? यूबिक्विटस ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ये सूक्ष्म जीव जो है हमारे पर्यावरण में अगर इनकी मौजूदगी को देखा जाए तो यह इकोलॉजी के हिसाब से यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से इनका जो रोल होता है, जो एक्चुअली में ये कि बायोटिक कंपोनेंट्स के ही अंतर्गत आते हैं, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स में ऐसे जीवधारी को रखा गया है जो कि लिविंग्स होते हैं, जो कि माइक्रोब्स भी लिविंग होते हैं, भले ही वो नंगे आंखों से या नेकेडेड आई से ना दिखते हो लेकिन वे हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। वो भी अपना प्रभाव क्या करते हैं? हम लोगों पर दर्शाते हैं, इन्वायरमेंट को वो क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं कि वो अपना मौजूदगी के कारण क्या करते हैं? पर्यावरण को सुव्यवस्थित करते हैं, यानी कि सुबैलेंस बना रहता है। अगर हम लोग इकोसिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखें तो इनका जो है क्या चीज, बायोटिक कंपोनेंट्स में, अगर बायोटिक कंपोनेंट्स की बात की जाए तो उसमें कितने मेंबर्स, यानी तीन मेंबर शामिल होते हैं, जिसमें कि प्रोड्यूसर्स है, कंज्यूमर्स है और डीकंपोजर। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहाँ रखते हैं? डीकंपोजर्स में रखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अपघटन करता है। यानी कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवधारी हैं जो कि कॉम्प्लेक्स बॉडी को क्या करते हैं? सिंपल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेट्रीवोर्स कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे ये सूक्ष्म जीव आते हैं। ऐसे भी सूक्ष्म जीव हैं जो हम लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्यावरण के लिए ही वो क्या है, उपयोगी हैं, अनुपयोगी हैं, ऐसा नहीं। हम लोगों के लिए भी क्या है, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि बहुत सारे उपयोगी भी हैं और कुछ अनुपयोगी, जिसको हम लोग हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। कुछ जैसे कि लाभदायक सूक्ष्म जीव जो है, जैसे कि हमारा लैक्टोबैसिलस, जिसको हम लोग लैब बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि मुख्य रूप से जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में दूध से दही बनाने में, जिसमें जिसको हम लोग कोलेक्टोलिनॉन क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, यानी कि यह कोएगुलेट करता है, यानी कि दूध से जो है दही में कन्वर्ट करता, जमा देता है उसको, जिससे कि लैक्टिक एसिड जो है उसमें मौजूद होता है। अगला है हमारा कि अगर सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम लोग यीस्ट बोलते हैं, बेकरी इंडस्ट्रीज में इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है, यीस्ट का जो है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं जीव विज्ञान के रूप में सैक्रोमाइसिटीज कहते हैं। और ये सैक्रोमाइसिटीज सेरेबेसियाई क्या है, स्पीशीज है, जिसका जो है काफी मात्रा में इस इंडस्ट्री में, यानी कि बेकरी इंडस्ट्रीज में, ब्रेड हो, बिस्किट्स हो, इसमें बहुत सारा क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। राइजोबियम है, क्लॉस्ट्रिडियम्स है, नाइट्रोसोमोनास है, ये सारे के सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, जो हम लोगों को क्या करते हैं, लाभदायक पहुंचाते हैं, यानी कि ये हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली यूजफुल होता है, हार्मफुल भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया है। अगर हम लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं, अगर बीमारी की बात आती है तो हम लोग बहुत शुरू से ही, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, बीमारी की अगर डिजीज की बात करें तो बीमारी हम लोग पहले सोचते थे क्या कि यह कुंज का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ज्ञान और वृद्धि में विकास हुआ, नॉलेज में विकास हुआ, तो हम लोग फिर सोचने लगे क्या चीज, फिर कथन ऐसा कथन आया कि हम लोगों के जो है जीवन चक्र में जो है एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें हम लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं।
लेकिन फिर पुनः जो क्या हुआ, ज्ञान में बढ़ोतरी हुई, तो हम लोग ये कहते हैं कि जो डिफिनेशन आता है कि हम लोगों के कारण ही, यानी कि जो है उचित खान पान, रहन सहन इत्यादि नहीं करने से इट इज नॉट पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे जीवन चक्र का वो कोई अंग, विशेष अंग नहीं है, बल्कि हम ही लोग के द्वारा जो कि कंटामिनेशन से होता है, यानी कि जो हमारे शरीर पर डेली लाइफ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों का जो हमारे पर्यावरण में क्या है, बहुत ही बड़ा रोल है। अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, तो क्या हम लोग उसको जो है किस तरह से देख सकते हैं। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। हम लोग अगले वीडियो में जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अनबॉक्सिंग, और साथ साथ जो है हम लोग उनके सारे अंगों का, और उन सारे अंगों का क्या क्या उपयोग है वो देखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप जो है इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।